हेलो सर, नमस्ते। बस नमस्ते नमस्ते, कैसी हो आप राजेश्वरी? जी, मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। लंच वगैरह हो गया? जी हो गया सर। ओके, सो क्लास शुरू करें हम लोग। अभी कल जी सर। एक स्क्रिप्ट भेजी थी हम लोगों ने, तो वो स्क्रिप्ट आपने प्रिपेयर की है? हाँ सर, की है सर। ओके, डायलॉग तो याद हो रहे हैं ना अभी? हाँ सर, हो रहे सर। ओके, एक बार बोलो अच्छे से। टेक योर टाइम, रिलैक्स, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। ओके चलो, आज हम इस स्क्रिप्ट को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। जी सर। चलो स्टार्ट। कबीर, लिसन, मेरी बात तो सुनो। इसके लिए मैंने काफी मेहनत की है। अब जब प्रमोशन मिल गया है तो तुम ये नाटक क्यों कर रहे हो? ये मेरे करियर के लिए, हाँ, आई मीन हमारे जिंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम कहते हो ना, अपने सपनों का घर, मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। वैसे भी व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, आई सी यू एवरी डे कि तुम क्या करते हो। कबीर, यू नो व्हाट, आई लेफ्ट माई फैमिली टू बी विथ यू। आई थिंक आई मेड मिस्टेक। यू डोंट केयर अबाउट मी एंड माई करियर। हो गया सर। अच्छा ठीक है, अच्छी कोशिश है, कम से कम तुम्हें डायलॉग अच्छे से याद हो गया है। क्या कहना जी चाह सर। रही हो, क्या सिचुएशन है? कोई भी ऑडिशन की स्क्रिप्ट जब आपके पास आती है ना राजेश्वरी, तो सबसे पहले वहां पर जो कास्टिंग डायरेक्टर है या तो जो असिस्ट कर रहा है कास्टिंग डायरेक्टर को, उसको आपको बैकग्राउंड पूछना है कि इसके मैं क्यों बोल रही हूँ, क्या हुआ है, और एग्जैक्टली उनको क्या मीनिंग डिलीवर करना है, उनके दिमाग जी में वो कैरेक्टर क्या है, वो सबसे पहले तुम्हें समझना है। तो तुम्हें ये कैरेक्टर क्या समझ में आया वो बताओ मुझे, कौन है वो? सर, कबीर है जो मुझे मेरे प्रमोशन मिलने पर भी जाने से रोक रहा है, तो उसके लिए मैं उसको फाइट करती हूँ। तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, जी, पता है? मेरा नाम मायरा है, मायरा का रोल प्ले कर रही। चलो ठीक है, मायरा तुम्हारा नाम है। एज कितनी है तुम्हारी, तुम्हारे कैरेक्टर की? एज पता नहीं सर, ऐसे 25-26 हो। है ना, 25-26 अगर एज होगी तो पता नहीं, ऐसा बोल ही नहीं सकता ना एक्टर। अब ये हस्बैंड वाइफ है या कपल है, लिव इन में रहने वाले कपल है या हस्बैंड वाइफ है, कौन है? शायद हस्बैंड वाइफ ही हो गए सर, क्योंकि स्क्रिप्ट में तो मेंशन नहीं किया है कि हस्बैंड वाइफ है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ठीक है, जब आप ऑडिशन को जाओगी तब वहां पर जो बंदा है ऑडिशन लेने वाला, उसको पूछना है। फिलहाल हम मान लेते हैं कि ये हस्बैंड वाइफ है। ओके, आप जी सर। मायरा हो, 25 साल की हो, आपके हस्बैंड से बात कर रही हो। हस्बैंड का नाम क्या है? कबीर सर। कबीर नाम है। और कबीर क्या करता है, काम क्या करता है कबीर? पता नहीं। नहीं पता सर। अच्छा, तुम क्या काम करती हो? पता नहीं। ठीक नहीं पता सर, बस प्रमोशन मिल गया है। ऐसा बोल के कैसे चलेगा, ये तो सिर्फ एक डायलॉग बोला नाम के लिए, ऐसा होगा ना? दिखावटी एक्टिंग से बाहर निकलना है। सो बोलो एक बार, स्क्रिप्ट बोलो तुम्हारी फिर से, फटाफट बोलो, फास्ट। कबीर, लिसन, मेरी बात तो सुनो। इसके लिए मैंने काफी मेहनत की है। अब जब प्रमोशन मिल गया है तो तुम ये नाटक क्यों कर रहे हो? ये मेरे करियर के लिए, हमारे जिंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे भी व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, आई सी यू एवरी डे कि तुम क्या करते हो। कबीर, यू नो व्हाट, आई लेफ्ट माई फैमिली टू बी विथ यू। यू डोंट केयर अबाउट मी एंड माई करियर। ओके, आप ना गवर्नमेंट जॉब में हो और आपको जॉब में प्रमोशन मिल गया है, ठीक है? गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में कंपनी प्रमोशन देती है, वैसे आपको प्रमोशन मिल गया है और कबीर आपको बोल रहा है कि आप प्रमोशन मत लो। सो जी सर। पहले बैकग्राउंड को समझो, बैक स्टोरी को समझो,
ऑडिशन में अगर बैक स्टोरी नहीं है तुम्हारे पास तो बैक स्टोरी बनाओ, उस स्क्रिप्ट के आधार पर बैक स्टोरी बनाओ। क्लियर? अब बोलो एक बार फिर से। कबीर लिसन, मेरी बात तो सुनो, इसके लिए मैंने काफी मेहनत की है, अब जब प्रमोशन मिल गया है तो तुम ये नाटक क्यों कर रहे हो? ये मेरे करियर के लिए, हाँ हाँ हमारे जिंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे भी व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, आई सी यू एवरीडे, कि तुम क्या करते हो। राजेश्वरी तुम बहुत अच्छा कर सकती हो, थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने तुम्हें बताया और उसके बाद तुमने जिस तरीके से अभी जो बोलने की कोशिश की, पहला और वो, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट मुझे नजर आई। तुम्हारा थोड़ा सा डर डर के तुम एक्टिंग कर रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या डर क्या है आपके मन में, क्यों थोड़ा हिचकिचाहट क्यों है? नहीं सर, डर तो नहीं है, कर रही हूँ कोशिश सर। कोशिश कर रही हो लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत अच्छे से कर सकती हो लेकिन अपना 100% नहीं दे रही हो। डायलॉग याद है, स्पीच अच्छा है आपका, एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेसिव हो आप, फिर क्या? सर एक्चुअली मुझे एक प्रॉब्लम है, वो बोलना चाहती हूँ सर। मुझे ना हमेशा लगता है सर कि मैं सीखूं, कुछ अच्छा करूं, लेकिन मुझे ना मेरे आँख की वजह से मुझे प्रॉब्लम लगता है सर। मेरा आँख ऐसा है तो मैं कैसे करूं सर? एक्टिंग अच्छे से कर भी लूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कि मुझे कोई चांस देगा या कुछ करेगा मेरे को ये हुनर लेके मेरा, मुझे इसी का सवाल हमेशा रहता है सर। और कुछ मैं सच सच बोलूं राजेश्वरी, मैं खुद ही आपको ये सवाल पूछने वाला था कि ये इस चीज को लेकर आपके मन में कुछ कॉम्प्लेक्स कुछ चीज है क्या, बट अच्छा हुआ आपने खुद ही बता दिया। सो ये पैदाइशी है या बाद में हुआ, कैसे हुआ था? सर एक्चुअली मुझे ये बाय बर्थ है प्रॉब्लम आई का, लेकिन मेरी आई अच्छी है, मेरा मतलब मेरा आंख अच्छा है। जो मेरा ये पलक है ना, पलक के ऊपर जो है ना वो ब्लड जमा होने के कारण वो जो पलक वजन से झुक रही है मेरी। एक्चुअली मेरे को बचपन से तो नहीं था ऐसा, जैसे मैं 9th स्टैंडर्ड से हुआ, हाँ मेरा 9th स्टैंडर्ड हुआ ना, तब से मुझे स्पेक्स भी लग गए। उस टाइम पे मैंने एक डांस किया था सर, वो जो बंजारा टाइप कॉस्ट्यूम पहन के करते है ना, वो सारा मतलब ऐसे सारे कांच लगा के ऐसे वो झुमके लगा के करते है ना सर, वो सब किया था। तो इधर से ऐसा वो जो मुझे रेडी करने वाले थे इधर से खींच खींच के इतने बड़े बड़े झुमके डाले थे सर। तो उस दिन से मुझे इतना पेन स्टार्ट हो गया सर, और उसी दिन रात में मुझे मेरे घर में ना एक ऐसे पत्थर का कोना रहता है ना, कोना, उसका मार लग गया था सर। तब से मुझे, फिर हॉस्पिटल में भी बताया मैंने, तो उसके वजह से तब से मुझे पेन स्टार्ट हो गया सर। पेन तो नहीं था मुझे, आई बचपन में मेरे फोटोज देखोगे तो बिल्कुल खुले दोनों आई सेम दिखते थे। जैसे मैं बड़ी होती गई वो मतलब वो जो इंसिडेंट्स के बाद मेरा आंख ऐसा होने लगा सर। फिर मैंने हॉस्पिटल भी बताया सर, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि कर तो सकते हैं इसका ऑपरेशन लेकिन थोड़ा बहुत रिस्की होगा ऐसा कहते हैं सर, इसलिए हमने ऑपरेशन भी नहीं करवाया उसका ऐसा। ओके ठीक है, जाहिर सी बात है। मैं मेरा एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ राजेश्वरी, कुछ महीने पहले मेरे आंखों में वायरल इन्फेक्शन हो गया था, दोनों आंखें एकदम लाल हो गई थी, बहुत बहुत ज्यादा लाल, और लिटरली ऐसा लग रहा था कि शायद ये वायरल इन्फेक्शन इतना खतरनाक होगा कि मैं मतलब आंखें ही गवा दूं। तो तुम्हारा जो पेन है वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि एक फीमेल एक्टर के लिए उसका लुक बहुत मायने रखता है। लेकिन राजेश्वरी ऐसे भी लोग हैं ना बेटा कि जो हमसे भी ज्यादा तकलीफें जिंदगी में फेस कर रहे हैं, हमसे भी ज्यादा, उनके सामने हमारी तकलीफ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, 0% भी नहीं, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन कई बार हमें अपना जो दुख है, अब हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसी को बहुत बड़ा समझते हैं हम लोग। मैं आपको बताता हूँ, एक एक्ट्रेस है, उनका नाम है ललिता पवार, उनको बहुत ही सुंदर, तुम्हारे जैसे ही सुंदर एक्ट्रेस, और शूटिंग के दौरान जो एक्टर थे
उन एक्टर को एक थप्पड़ मारना था उनको, और वो थप्पड़ इतनी जोर से मारा गया कि उनकी एक आंख जो थी वो डैमेज हो गई, और एकदम बारीक हो गई आंख, डैमेज हो गई लिटरली। उसके बाद तो उनका करियर चौपट हो गया, खत्म, करियर ही खत्म। तुम्हें क्या लगता है, उन्होंने शुरुआत किया होगा या करियर फील्ड छोड़ दी होगी? नहीं पता सर, क्योंकि वो पहले थे तो वो पहले से वो इंडस्ट्री में थे तो उनका नाम तो होगा सर, उनके लिए वो कोई भी मतलब इजी बनेगा, तो मैं तो अभी नहीं हूँ सर। करेक्ट है, आप नहीं हो, लेकिन उन्होंने उसी आंख का इस्तेमाल किया और निगेटिव कैरेक्टर किए, और बदमाश सांस, बहू को तकलीफ देने वाली बदमाश सांस में वो नंबर वन सांस है, कि जिन्होंने बेहतरीन रोल किए और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में इंडस्ट्री को दी। सो याद रखना, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। अभी मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाऊं, जिस वीडियो में एक ऐसे इंसान को मैं दिखाता हूं जिसे देखकर तुम्हारे अंदर एक जोश जुनून आ जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि एक्ट्रेस बनने के राह में ये जो प्रॉब्लम है ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इसी को हम पॉजिटिवली भी ले सकते हैं। कुछ ऐसे रोल भी हो सकते हैं जिस रोल में तुम्हारा जो लुक है उसी लुक से, उसी लुक की एक्ट्रेस उनको चाहिए होगी। और सेकंड थिंग, एक्टिंग के साथ साथ और कोई प्रोफेशन भी आपका होना चाहिए, ताकि आपको आपकी जिंदगी, घर परिवार, गृहस्थी चलाने के लिए वो ऑप्शन आपको सपोर्ट करे। और एक्टिंग में मौका मिला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपका खुद का जो सेटिस्फेक्शन है वो भी तो मैटर करता है ना। जी सर। सो आपका एक्टिंग का प्रॉब्लम है ही नहीं, आप अच्छी एक्ट्रेस हो मुझे लगता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं ऐसे इंसान का कि जिसके ना हाथ है ना पैर है, और फिर भी कितनी बार उसके मन में आत्महत्या का विचार आया, लेकिन फिर भी आज वो इंसान हजारों लाखों लोगों को मोटिवेट कर रहा है। देखना चाहोगे वीडियो? जी सर बिल्कुल। अच्छे से देखो, ओके। स्क्रीन शेयर करता हूं मैं आपको। निकोलस वोइचिच्की। निक का जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1982 को मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। एट्रा अमेलिया सिंड्रोम बीमारी के कारण माँ के गर्भ में ही निक के हाथ पैरों का विकास नहीं हो पाया, और जन्म के समय से ही उसने बिना हाथ पैर के एक बेबस अपाहिज जीवन जिया। अपने स्कूल के दिनों में निक ने शारीरिक रूप से संघर्ष तो किया ही, बल्कि स्कूल में उसके अपाहिज होने पर बाकी बच्चे उसका खूब मजाक उड़ाया करते थे, जिससे मेंटली और इमोशनली कोई भी बच्चा टूट जाता। स्कूल में निक का कोई दोस्त नहीं बना, और अकेलेपन और नाउम्मीदी ने उन्हें इस कदर तक तोड़ दिया कि 10 साल की उम्र में उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश कर डाली। जी हाँ, उनकी उम्र केवल 10 साल थी, जिस उम्र में कोई भी इंसान दुनिया के बारे में सीखना शुरू करता है। उस उम्र में उन्होंने दुनिया के तमाम दुख और सितम देख लिए थे, लेकिन माता पिता और अपने भाई बहन के प्यार ने निक की हिम्मत टूटने नहीं दी और उन्हें आत्महत्या करने से रोक लिया। निक बाकी बच्चों की तुलना में काफी अलग थे, क्योंकि वो लगातार अपने जीवन को जीने के उद्देश्य ढूंढते रहते थे। उन्होंने खुद पर और अपने भगवान पर विश्वास करना शुरू किया और अपने जीवन को एक नई दिशा और सोच की ओर आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाने की सोची, और 17 साल की उम्र में उन्होंने खुद का एक एनजीओ लाइफ विदाउट लिम्स खोला, और उस दिन से लेकर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। निक दुनिया के सबसे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं, और उनके लाइफ के प्रति नजरिए को समझने की क्षमता ने लोगों के जीवन में जबरदस्त इफेक्ट किया है। 19 साल की उम्र में दिए गए अपने पहले भाषण से लेकर निक ने अब तक 40 से अधिक देशों की यात्रा कर ली है। एक पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति भी शर्म से पानी पानी हो जाएगा यदि वो निक को स्विमिंग करते हुए देख ले। वो एक अच्छे स्विमर होने के अलावा एक अच्छे राइटर, म्यूजिशियन और पेंटर है। वो फुटबॉल खेलते हैं और स्काई डाइविंग और सर्फिंग भी करते हैं। निक जब 8 साल के थे तब उन्होंने सोचा था उनकी जिंदगी एकदम बेकार है, उनकी ना तो कभी शादी हो पाएगी और ना ही उन्हें कभी नौकरी मिलेगी, उनके जीने का कोई मकसद नहीं है।
और वो शादी की बात तो सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि कौन ऐसे व्यक्ति से शादी करेगा जो अपनी पत्नी का हाथ तक नहीं पकड़ सकता। लेकिन बाद में उन्हें ये रियलाइज हुआ कि उनका यह सोचना गलत था कि वो किसी काम के नहीं है या उनका कोई मोल नहीं है। उन्होंने सोचा, भले ही मेरे पास मेरी पत्नी का हाथ पकड़ने के लिए हाथ ना हो, लेकिन सही समय आने पर मैं उसका दिल संभाल पाऊंगा और उसके दिल को संभालने के लिए मुझे हाथों की जरूरत नहीं होगी। आज निक ना सिर्फ शादीशुदा हैं, बल्कि उनके बच्चे भी हैं। निक कहते हैं, मेरा यकीन कीजिए, उम्मीद खोना हाथ पांव खोने से कहीं ज्यादा बुरा है। जिंदगी से मिली हर चीज को खुले मन से स्वीकार कर लेना चाहिए, फिर चाहे वो मुश्किलें ही क्यों ना हो, क्योंकि मुश्किलें ही वो सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर हमें अपने जीवन में कामयाबी और खुशियां मिलेंगी। मैं आपको इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए मोटिवेट करूं तो हो सकता है अभी आपको कोई रास्ता ना दिखाई पड़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां रास्ता है ही नहीं। रास्ता है, बस अपने उम्मीद के दिए को बुझने ना दें, आपको रास्ता जरूर मिलेगा। क्या लगा देखकर? बहुत ही इंस्पायरेशनल वीडियो था सर, बहुत ही बढ़िया था, बहुत बड़ा जिगरा है सर उनका, जो इतना कुछ सहन करके यहाँ तक आगे बढ़ चुके हो। सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको निक में? सर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। और उनके साथ मतलब जस्ट इमेजिन, हम लोगों के हाथ पैर काम नहीं करते थे या हम लोग निक के जैसे होते थे तो हम तो तभी के तभी अल्लाह को प्यारे हो जाते, भगवान के पास चले जाते। हाँ सर, कोई क्यों बोझ बनना चाहेगा किसी के ऊपर। अब क्या लगता है, निक की जो प्रॉब्लम थी उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है आपकी? नहीं सर, उससे बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन उनको जो करना था उन्होंने वो लाइफ में कर लिया, लेकिन मैंने सोचा है वो तो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री तो सब तरीके से मतलब मैं सोच रही हूँ मैं इंडस्ट्री में मतलब फिल्म इंडस्ट्री में तो सब लुक मैटर करता है, ये वो, तो उनको वो एक्टर तो नहीं बने, लेकिन मुझे एक्ट्रेस बनना है, क्या उनका मेरा मैच हो सकता है थोड़ा बहुत। मैंने उनसे बहुत इंस्पिरेशन मोटिवेशन तो लिया, लेकिन उनका थोड़ा अलग है, मेरा थोड़ा अलग है सर। ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी बात पर एक और वीडियो दिखाता हूं मैं तुम्हें, जो है तुम्हारे ही प्रोफेशन के लेडी का, जिनका नाम मैंने तुम्हें बताया, ललिता पवार का, उनका वीडियो देखना चाहोगे आप? जी सर बिल्कुल। बात है 1942 की, जब ललिता जी की उम्र महज 26 साल की थी। इसी साल ललिता जी जंग आजादी नाम के फिल्म की शूटिंग कर रही थी। इस फिल्म में एक सीन में एक्टर भगवान दादा को ललिता पवार की गाल पर थप्पड़ मारना होता है। भगवान दादा अपने किरदार को बखूबी निभाने के लिए प्रसिद्ध, हर सीन में बिल्कुल घुसकर एक्टिंग करते थे। जब उन्हें यह सीन करने के लिए कहा गया तो उन्हें आम सूट की तरह ही इस सीन को रियल दिखाने के लिए ललिता पवार के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, पर इतनी तेजी से पड़ा था इसकी वजह से ललिता जी को फेशियल पैरालिसिस हो गया। ललिता पवार को इस एक थप्पड़ की वजह से 3 साल तक सिनेमा से दूर रहना पड़ा था। पूरी तरह से रिकवर होने के बाद ललिता पवार ने दोबारा फिल्मों में वापसी की, लेकिन इस बार ये वापसी एक नायिका की नहीं बल्कि बतौर खलनायिका थी। गोविंद की शादी घर की नौकरानी से? इसी बात को तो मैं रो रहा हूँ कि शाम से शादी के बाद नील माँ का दर्जा भी एक नौकरानी के बराबर हो जाएगा। मुझे तो शक है कि तू भी इन कमीनों के साथ मिल गई। क्या बकता है, पागल हो गया क्या? तुम क्या समझती कि मैं अपनी लाडली बहन को उस घर में दूंगा जहाँ उसके जेठ की बीवी सारा दिन कुएं पर छुआछू कपड़े धोती रहे? कैंसल एवरीथिंग, कैंसल, पैक अप डील ना, चलो। क्यों जल्दबाजी करता है? क्या तू समझता है कि ये खबर सुनकर मैं खुश हो गई हूँ? भगवान दादा के एक थप्पड़ ने भले ही ललिता पवार की आंखों की खूबसूरती छीन ली थी, लेकिन इसके बाद जब ललिता जी ने वापसी की तो इसी आंखों की बदौलत उनको फिल्मों में रोल मिलने लगे। ललिता पवार के फिल्मी करियर का दूसरा अध्याय इनके पहले अध्याय से काफी शानदार रहा। अब इनकी छवि रुपहले पर्दे पर एक षड्यंत्रकारी, ईर्ष्यालु और बहू का शोषण करने वाली सास की बन गई थी। हिंदी फिल्मों के अलावा इन्होंने मराठी फिल्मों में भी काम किया, जैसे अमृत, गोरा, कुंभार आदि। ललिता पवार ने ऐतिहासिक से सामाजिक, कॉस्ट्यूम ड्रामा से पौराणिक, कॉमेडी से ट्रेजेडी,
रोमांचक से संगीतमय और गंभीर से रोमांस वाली फिल्मों में अभिनय किया। देखो, हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी है उसी को उन्होंने ताकत बनाया। अब तुम्हारे साथ जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा ज्यादा है। उनकी उनको थप्पड़ लगने के बाद उनकी आंख ठीक है छोटी हो गई, लेकिन जब हमने वीडियो देखा तो उसमें ज्यादा नजर नहीं आ रहा है ना जी। हाँ, बट आने वाले समय में जब आप एक्टिंग में कुछ कर लोगी तो शायद अच्छे डॉक्टर के पास जाके लाखों रुपए खर्च करके ऑपरेशन भी हो सकता है। ये हुई पॉजिटिव बात। और सेकंड थिंग ये है, आप एक्टिंग क्यों कर रही हो? लाइक आपको सिर्फ नाम, शोहरत, पैसा या एक्टिंग सीरियल फिल्म वेब सीरीज में ही करना पसंद है या खुद को भी कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है? जी नहीं सर, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगी मुझे एक्टिंग में मतलब इतना एक्टिंग से ही मुझे प्यार है सर। बचपन से मैं यही स्कूल मैंने कंप्लीट कर लिया, मेरा कॉलेज कंप्लीट कर लिया, लेकिन फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं रहा क्योंकि मैंने जॉब भी किया है सर और जॉब करके छोड़ भी चुकी हूँ सर, क्योंकि मुझे जॉब मतलब सिर्फ जाना है फिर आना, काम करना इतना है लेकिन खुशी नहीं मिलती सर। ये जो मैंने आपका ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स जो ज्वाइन किया है इससे मुझे इतना अच्छा लग रहा है सर। रोजाना मैं जब वीडियो बनाती हूँ, वीडियो बनाने के पीछे इतना हंसी मजाक, इतना खुशी मिलती है, इतना अच्छा लगता है सर। मुझे सच में मैंने ये करके बहुत अच्छा किया ऐसा लग रहा है सर। मैंने इतने सालों में कभी एक्टर बनते हैं, वीडियोस रहते बहुत सारे एक्टर कैसे बनते हैं, एक्टर बनने के लिए क्या करते हैं, लेकिन ये जो ऑनलाइन क्लास में मैं सीख रही हूँ ना सर, मुझे ये फर्स्ट टाइम पता चल रहा है और इसी की वजह से मुझे बहुत खुशी भी मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है सर करके। परफेक्ट। सो अभी हम लोग क्या करेंगे कि आप इन फ्यूचर बॉलीवुड में कैसे करियर बनाओगी, क्या बनाओगी, वो सब हम भूल जाते हैं। ओके, वो सब हम भूल जाते हैं। घर गृहस्थी सब कुछ चलाने के लिए आपको कोई ना कोई जॉब करना होगा। आपका एजुकेशन कितना हुआ है? जी मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, एमकॉम कंप्लीट किया है। ओके, और एक्टिंग के अलावा आपको क्या करना है एजुकेशन के बाद? एजुकेशन मैंने बैंक में करने का सोचा है सर, बैंकिंग। बैंक के एग्जाम वगैरह देके बैंक में आपको जॉब लग गया। ओके, और उसके साथ साथ अगर जिंदगी में एक्टिंग करने का मौका मिले तो बुरी बात है क्या? नहीं सर, वो तो मुझे मेरा सोने पे सुहागा रहेगा क्योंकि मुझे एक्टिंग से बहुत प्यार है सर, मुझे यही करना है ऐसा लगता है मुझे। ओके, सो अभी जैसे एक्टिंग ऑडिशन मास्टरी में आप सीख रही हो और आपको मजा आ रहा है, तो असली चीज तो वही है कि हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं, हमें मजा आता है। तो बहुत दूर की मत सोचो, इन फ्यूचर क्या होगा, इंडस्ट्री में मैं कैसे करियर करूंगी, क्या करूंगी, वो सब कुछ दिमाग से फिलहाल निकाल दो और फिलहाल खुद की खुशी के लिए आप एक्टिंग करो। जी बस मैं वही कर रही हूँ सर अभी फिलहाल तो। और हाँ, क्योंकि आज तक ये मैंने किया नहीं था तो इतने से चीज को करके मुझे इतनी खुशी मिल रही है, तो बस मैं इसमें बहुत खुश हूँ सर अभी फिलहाल तो। अपने आगे इनफैक्ट जाके कुछ होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। लोगों के पास सब कुछ होता है, पैसे होते हैं, नाम होता है, शोहरत होती है, लेकिन खुशी नहीं होती जो तुम्हारे पास है। सो व्हाट एल्स यू वांट? बैंकिंग का जो तुम्हारा काम है, एमएससी होने के बाद जो बैंक की तैयारी करोगी उसको तुम तुम्हारा 100% दो। एक जॉब मिल जाएगा, लाइफ सिक्योर हो जाएगी। एंड सेकंड थिंग, साथ में आप जिस तरीके से अभी एक्टिंग सीख रही हो या नाटक पढ़ सकती हो, छोटे छोटे सीन प्रिपेयर कर सकती हो, लेक्सैक के साथ आगे जो जो छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकती हो। एंड जस्ट बी हैप्पी विथ योरसेल्फ, डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, मुझे काम मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा होगा, मेरी आंख का तो ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। सब कुछ हम कंप्यूटर, हम मोबाइल फॉर्मेट करते हैं ना जब हैंग होना शुरू होता है, तो करते हैं क्या नहीं करते जी, सर। पता चलता है कि अब इसकी लिमिट खत्म हो गई, अब इसको फॉर्मेट कर दो। वैसे दिमाग से फॉर्मेट कर दो आज कि मेरे आंखों का कुछ प्रॉब्लम है, हमें कोई काम वाम नहीं करना है। अगर लोगों को लगेगा कि हाँ किसी कैरेक्टर के लिए मैं परफेक्ट हूं तो बुलाओ, नहीं तो मैं मेरी जिंदगी में खुश हूं। क्लियर जी सर। और हमारे साथ जो भी होता है वो हमारे हाथ में है ही नहीं। एक कुत्ता
रोड पर घूम रहा है, बेचारे को पत्थर मार मार के लोग भगा रहे हैं, और एक कुत्ता मर्सिडीज बेंज में गोरी मेम साहब उसको अपने पास एकदम करीब उठा के लेके जा रही है, कहां पर? डॉग फूड के शॉप में, उसको खाना लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले का सब कुछ काम है। ऊपर वाला मतलब जिसे हम भगवान कहते हैं, खुदा कहते हैं, है ना, या यूनिवर्स कहते हैं। तो नेचर का भी काम है, हमारे साथ जो भी घटनाएं होती है उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। पास्ट कनेक्शन हो सकता है, हमारा पास्ट कर्मा हो सकता है, आगे आने वाली अच्छी चीजें उसमें छुपी हुई हो सकती है। तुमने एक ऐड देखी अभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सी ऐड है, वो याद नहीं आ रही है, कि एक बुजुर्ग औरत है, जो औरत एक जगह पर खड़ी है और आई थिंक उनकी छड़ी, उनकी जो छड़ी है वो गिर जाती है नीचे, और एक लड़का है जो कुछ खा रहा है, कैडबरी कुछ, हाँ, चॉकलेट खाता हुआ, चॉकलेट खा रहा है, और वो बोलती है दादी माँ कि बेटा मेरी छड़ी उठा के देना जरा। वो लड़का छड़ी को देखता है और बोलता है ठीक है, और देता नहीं है, चॉकलेट खा रहा है, मजे से चॉकलेट खा रहा है, और बेचारी दादी माँ नाराज होके गुस्से में थोड़ी सी आगे आ जाती है छड़ी उठाने के लिए, और उतने में ऊपर का जो छत है वो नीचे गिर जाता है, गिर जाता है। उसके बाद दादी क्या बोलती है बच्चे को, थैंक यू बेटा, अच्छा किया। सो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, यूनिवर्स और सबके लिए उसके पास अच्छी ही चीजें हैं। सो जो भी हमारे साथ हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, यही सोचना है। क्लियर? थैंक यू सर। हाँ सर। So, अभी एक बार मुझे अच्छे से एकदम एनर्जी के साथ वो ऑडिशन जो है करके दिखाओ प्रॉपरली। ठीक है। ओके, टेक टाइम, पानी वगैरह पीना है तो पानी पी लो, जस्ट रिलैक्स। जस्ट रिलैक्स, कूल। तुम्हारा जो बैकग्राउंड है जो मैंने बताया था वो दिमाग में लेकर आओ, एंड कॉन्फिडेंस के साथ मैं देखना चाहता हूँ अभी तुम्हारा। टेक टाइम, कबीर लिसन करूँ सर अभी? रिलैक्स रिलैक्स, मैं आपको बताऊंगा, इंस्ट्रक्शन दूंगा मैं। ठीक है सर। एक्टर रेडी? जी। रोल, रोलिंग, एक्शन। कबीर लिसन, मेरी बात तो सुनो, इसके लिए मैंने काफी मेहनत की है, अब जब प्रमोशन मिल गया है तो तुम ये नाटक क्यों कर रहे हो? ये मेरे करियर के लिए, हाँ हमारे जिंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम कहते हो ना अपने सपनों का घर, मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। वैसे भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा, आई सी यू एवरीडे कि तुम क्या करते हो। कबीर, यू नो व्हाट, आई लेफ्ट माय फैमिली टू बी विथ यू। आई थिंक आई मेड मिस्टेक। You don't care about me and my career. हो गया सर। वाह, क्या बात है, very good. End में एकदम हो गया, क्यों उसी mood में रहना चाहिए। But बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। जब तुम Thank you, sir. है ना, पहले जो तुम कर रही थी उसके बाद जो कर रही थी, जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। Thank you so much. तो life हमें मिली है खुशियों के लिए, हम एक्टिंग करते हैं खुशी मिलने के लिए, हम जॉब करते हैं खुशी मिलने के लिए, हम सब कुछ करते हैं खुशी मिलने के लिए, और बस वो खुशी ही हमारे पास ना हो तो क्या फायदा है। अभी तुमने ये ऑडिशन बोला, इतना अच्छे से तुमने बोला, तुम्हें खुशी मिली क्या नहीं मिली? जी बिल्कुल मिली सर। खुशी मिली ना तुम्हें? सो मैं खुद अलग हूँ और वो कैरेक्टर कुछ और है, तो अच्छा लगता है किसी और का कैरेक्टर निभाने को, मतलब अपने ही अंदर वो मजा रहता है, वो बोल नहीं सकते ना सर ऐसा खुशी। बिल्कुल सही है, एंड हमारे पास जो है वो देखना शुरू करो। मैं तुम्हें 21 डे का एक टास्क देता हूँ, 21 डे का एक टास्क देता हूँ। तुम्हें क्या करना है कि नोटबुक में रोज तुम किस चीज के लिए शुक्रगुजार हो, तुम किस चीज के बारे में थैंकफुल हो, वो तुम्हें लिखना है एवरीडे। मुझे बताओ तुम किन किन बातों के लिए थैंकफुल हो।
तुम्हारे जिंदगी की? जैसे कि मैं मेरे मॉम के लिए पहले थैंकफुल बोलना चाहती हूँ। मेरी मम्मा बहुत मुझे सपोर्ट करती है, मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं मेरे आँख की वजह से प्रॉब्लम लगता है, तो वो मुझे बोल नहीं पाते। वो उनके लिए, उनके वजह से मैं आज इतना अच्छा मतलब पढ़ पाई हूँ, इतना सब कुछ कर पाई हूँ। वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मेरे घर वाले, मेरे फैमिली, मेरे रिश्तेदार, उनके लिए सबसे पहले मैं। करेक्ट है, तुम्हारी फैमिली उनके लिए थैंकफुल हो। तुम फिजिकली फिट हो, पीछे जाके खड़ी रहो, पीछे जाके खड़ी रहो। राजेश्वरी, जिन जिन दो पैरों पर तुम चल पा रही हो, जिन जो दो हाथ तुम्हारे पास है, जो आंखें हैं जिनसे तुम दुनिया को देख पा रही हो, इतनी अच्छी तुम्हें हाइट मिली है, इतनी खूबसूरत हो तुम, उसके लिए कभी तुमने थैंक्स किया है? नहीं सर, वो तो हजारों हजारों लाखों लोग जो बोल नहीं सकते, कुछ लोग सुन नहीं सकते, कुछ लोग चल नहीं सकते, कुछ लोगों के हाथ नहीं होते, निक का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो हम अपने शरीर को, अपनी जिंदगी में जो अच्छी चीजें हैं उनको थैंक्स कब बोलेंगे? बोलो, है ना। सो माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दो, निगेटिव नहीं। एक मान लो तुमने कबीर सिंह नाम का फिल्म लगाया, तो कबीर सिंह फिल्म लगाने के बाद क्या दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे लगेगा? कबीर सिंह ही लगेगा ना। जो हम दिमाग में डालेंगे वही तो आउटपुट आएगा अपनी जिंदगी में। इसीलिए ऑलवेज पॉजिटिव चीजें अपने साथ, पॉजिटिव अफर्मेशन खुद को दो। 21 दिन तक तुम्हें लिखना है तुम किस किस चीज के बारे में शुक्रगुजार हो, थैंकफुल हो, और वो तुम्हारी सोच को, तुम्हारे लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देगा। मेरे पीछे बोलो कुछ लाइन हम बोलेंगे। बोलो, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अभी ऐसे डल हो के नहीं, बेस्ट के बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे तुम दुनिया की सबसे बेस्ट हो। यूज योर हैंड्स, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। एक हाथ लो ऐसे, वन हैंड, एक हाथ। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। आई एम द मोस्ट पॉजिटिव पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम द मोस्ट पॉजिटिव पर्सन इन द वर्ल्ड। आई एम द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन इन द वर्ल्ड। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। गॉड हैज क्रिएटेड मी स्पेशली, क्रिएटेड मी स्पेशली। गॉड हैज क्रिएटेड मी स्पेशली, गॉड हैज क्रिएटेड मी स्पेशली। God has created me specially. God has created me specially. I am the best. I am the best. Okay, sit down. Very good. Bed jao. Yes, sir. कैसा लग रहा है? You are feeling good? बहुत बढ़िया सर, अच्छा लग रहा है। आपने मेरे बारीकों को, मैं जो सोचती थी मेरे दिमाग में वही लेके, आपने मुझे उसका डाउट क्लियर कर दिया आज, अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। सो ये जो सेशन था, इसमें मेरी भी यही कोशिश थी कि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था राजेश्वरी अच्छी एक्टर है, अच्छे से बोल लेती है, डायलॉग एक्सप्रेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज को लेकर शायद उसके दिमाग में कुछ चीजें बैठी है। सो आई होप आज के बाद राजेश्वरी को और अच्छा और अच्छा और अच्छा होते हुए मैं देखूंगा। एंड सेकंड थिंग इज कि बैंक का जो तुम्हारा तैयारी है, बैंक के लिए जो प्रिपरेशन कर रही हो तुम, उसके लिए ऑल द बेस्ट। हम जल्दी ही तुम्हें देखना चाहेंगे कि एक अच्छे पोजिशन पर आप बैंक में काम कर रही हो, और साथ साथ एक्टिंग का ट्रैक चलता रहेगा। वो ट्रैक देखने के लिए यूनिवर्स है, उसके हाथ में हम छोड़ देते हैं। हमारा ईश्वर, भगवान, अल्लाह, जो भी ऊपर वाला है जिसको हम मानते हैं, उस पर हम ये काम छोड़ देंगे।
एंड अपने ईमानदारी के साथ तैयारी, धीरे धीरे ज्यादा उम्मीद ना रखते हुए हम तैयारी करते रहेंगे अपनी खुशी के लिए। जी सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, आई होप आज का जो क्लास था उसमें आपको कुछ फायदा हुआ होगा। 2 मिनट में आप शेयर कीजिए कि थ्रू आउट क्लास में क्या क्या चीजें समझ में आई, क्या क्या सोचा, क्या क्या लगा, वॉट एवर। सबसे पहले तो सर मुझे अपने अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आया, ऐसा फील हो रहा है। और अपने अपने पास जो बारीकियां है, जो नेगेटिव थिंग्स है, उसको दूर करके उसी को पॉजिटिव बना के कैसे सोचते, ये आपने मुझे बताया। और उनका मुझे डेमो दिखाया कि उन्होंने अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ने की कोशिश की, मतलब वो लोग, उनसे मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला, अच्छा लगा सर। अभी मैं मेरे आँख के बारे में थोड़ा शायद कम सोचूंगी, नहीं ये सोचूंगी बिल्कुल, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है अभी ये सब करते हुए। तो फिर खुशी मिल रही, तो खुशी से ज्यादा और क्या हो सकता है ना सर, तो मैं अच्छा फील कर रही हूँ बस। वेरी गुड, वेरी गुड। और अभी आपको मैंने जो टास्क दिया है वो टास्क है 21 डेज ग्रेटिट्यूड चैलेंज। जी सर। 21 डेज तक तुम्हें किस चीज के बारे में शुक्रगुजार हो, हर वो छोटी छोटी चीज, रहने के लिए घर है, आज इतने सारे लोग जो लॉकडाउन के बाद पैदल एक राज्य से दूसरे राज्य तक गए, कितने सारे लोग हैं इंडिया में जिनको एक समय का खाना तक नहीं मिलता, तो हम बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। हम लोगों को शुक्रगुजार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 21 डेज तक एवरी डे तुम्हारे पास जो अच्छी चीज है उसके बारे में लिखना है, और मुझे व्हाट्सएप पर रोज वो पेपर का फोटो भेजना है आपको। जी सर। जो ग्रेटिट्यूड लिस्ट आप लिखोगे ना उसका मुझे फोटो भेजना है। ओके जी सर। चलो अभी 30 डे का चैलेंज है तुम्हारा एक्टिंग ऑडिशन मास्टरी का, अच्छे से करो। एवरी डे एक एक ऑडिशन तुम बना ही रही हो, मैं देख भी रहा हूँ, मेरे कमेंट भी तुम्हारे ऑडिशन पर आ रहे हैं। आज के बाद आने वाले ऑडिशन में मुझे और अच्छा रिजल्ट चाहिए, और अच्छे एक्टिंग, कैरेक्टर, वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, स्पीच, सब में मुझे चेंजेस चाहिए। ओके जी सर, थैंक यू सर, मैं कोशिश बिल्कुल करूंगी सर। ऑल द बेस्ट, यू आर विनर एंड यू आर बॉर्न टू विन, यू आर द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय बेटा। ओके बाय।